बैंकों के निजीकरण के मुद्दे पर एक बार फिर से बैंक कर्मी लामबंद हो रहे हैं। कर्मियों में बैंकों के निजीकरण को लेकर आक्रोश देखा जा रहा है। उनका कहना है कि देश का हित सिर्फ राष्ट्रीय बैंक से ही हो सकता है। 1 फरवरी 2021 को पेश हुए आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की थी कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण किया जाएगा। हालांकि उन्होंने बैंकों का नाम नहीं बताया था। ऐसे में अब बिहार बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन ने 15 और 16 मार्च को बैंक हड़ताल के साथ ही आंदोलन की घोषणा कर दी है। ये जो यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के अंतर्गत बैंक में कार्यरत सारे यूनियंस जो हैं, वो देश व्यापी हड़ताल की का निर्णय लिया है। ये 9 फरवरी को हमारा हैदराबाद में यूनाइटेड फोरम का सेंट्रल यूनिट का एक बैठक हुआ था और उसमें बैंक के निजीकरण के विरोध में हम लोग हड़ताल पर जा रहे हैं। जहाँ तक ये सवाल है कि 2 बैंक 4 बैंक, ऐसी बात नहीं है। बैंकों के निजीकरण के खिलाफ हम जा रहे हैं, चाहे वो एक भी बैंक क्यों ना हो। ये हम लोग राष्ट्रीयकृत बैंक बहुत ही मतलब से बनाया गया था और उसका प्रभाव इस देश के आर्थिक व्यवस्था पर पड़ा था, और ये निर्णय भारत सरकार का एकदम से अविवेकपूर्ण और गलत निर्णय है, जिसका हम लोग 91 से विरोध कर रहे हैं। ये प्रयास कोई इस सरकार की नहीं है, इससे पहले की भी सरकार ने प्रयास किया था, लेकिन हम लोग ये विरोध कर रहे हैं। ये किसी न किसी कारण से या किसी पूंजीपति कॉरपोरेट घराने के दबाव में सरकार ये निर्णय लेती है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। हालांकि वित्त मंत्री ने निजीकरण होने वाले बैंकों के नामों की घोषणा नहीं की है। ऐसे में ग्राहकों और बैंकों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि वो कौन से बैंक होंगे जो आने वाले दिनों में निजी बैंक हो जाएंगे। केंद्र सरकार ने बजट में 2 बैंकों के निजीकरण की घोषणा की है, लेकिन अब सूत्रों के मुताबिक ये पता चला है कि सरकार जिन 4 बैंकों का निजीकरण करने जा रही है, उनमें से बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शामिल है। हम निजीकरण एकदम नहीं चाहते और ये देश का मामला है, ये सिर्फ यहाँ के कर्मचारियों का मामला नहीं है, क्योंकि जब यहाँ का बैंक का ये हुआ था आपका सार्वजनिकरण हुआ था, नेशनलाइजेशन हुआ था, तो उस समय से लेकर के आज तक का अगर हम देखें तो देश में आम लोगों का विकास, आम लोगों के विकास में वो पैसा खर्च हुआ जो जनता का पैसा था। इसमें किसका पैसा आता है? आम लोगों का पैसा जमा होता है, तो वो पैसा मोबिलाइज हुआ देश के विकास के लिए। और आप देख रहे हैं जो आज कृषि है हमारा, कृषि में आज जो हमारे पास सरप्लस है, वो सरप्लस नहीं होता अगर बैंक का लोन उसको नहीं मिलता। पहले तो हमारी स्थिति क्या थी कि हम अमेरिका का सड़ा हुआ गेहूँ खरीदते थे। तो इसने जो देश के विकास में काम किया, और पिछली बार जब फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ दुनिया भर में, तो हमारे यहाँ चूँकि ये बैंकों का सार्वजनिकरण था, हमारा जो है नेशनलाइज्ड बैंक था, इसलिए हम उससे बच सके। उस समय यहाँ के पूंजीवादी अखबारों ने भी लिखा कि चूँकि यहाँ पर जो हमारा फाइनेंशियल मार्केट है वो ओपन नहीं था, इसलिए हम इस आंधी से बच गए। अभी जो वो बोल रहे हैं वो भी अर्धसत्य है। वो सभी बैंकों का निजीकरण करना चाहते हैं, पूरा का पूरा जो फाइनेंशियल सेक्टर है वो उसको निजी हाथों में देना चाहते हैं। बिहार बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी जेपी दीक्षित का कहना है कि बैंक के निजीकरण को लेकर बाजार और निवेशकों का मूड भांपने के लिए निजीकरण के पहले दौर में सरकार मंझोले और छोटे बैंकों का सिलेक्शन कर रही। हालांकि उनके मुताबिक अगर निवेशकों का रुझान सही रहता है तो आने वाले समय में सरकार अपेक्षाकृत कुछ बड़े बैंकों के निजीकरण पर विचार कर सकती है, जिसका बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन विरोध कर रहा है। ये जो अभी वित्त मंत्री ने बजट सेशन के बीच में ये बात लाया कि 2 बैंकों का निजीकरण किया जा रहा है और बाद में बात आ रही है 4 बैंकों का निजीकरण किया जाएगा, IDBI का भी निजीकरण किया जाएगा, हम लोग शुरू से इसके विरोध में हैं। बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो यूनाइटेड फॉरेन यूनियन बैंक यूनियंस का एक मुख्य घटक है, 1991 से ही देश के अंदर में जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, उसी वक्त से हम इसके विरोध में हैं। हम लोग पूरे तौर पर निजीकरण के खिलाफ हैं, इसके विरोध में हम लोग हैं, पूरी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। अभी प्रथम चरण की लड़ाई, जिसमें हम लोगों ने पिछले दिनों में स्टेट बैंक के पास में हम लोगों ने डिमॉन्स्ट्रेशन किया था, और आगे आने वाले दिनों में 15-16 मार्च को 2 दिन की हड़ताल है। इससे भी समस्या का समाधान जब नहीं होगा, ये निजीकरण वापस नहीं लिया जाएगा केंद्र सरकार द्वारा, तो हम लोग आगे भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए भी आमादा रहेंगे। आपको बता दें कि पिछले साल रघुराम राजन कमेटी द्वारा कहा गया था कि कुछ संकटग्रस्त सरकारी बैंकों का निजीकरण बेहद जरूरी है, ताकि बैड लोन का बोझ घटाया जा सके।
केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों के निजीकरण की नीति का विरोध लगातार किया जा रहा है। इसी कड़ी में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है। इधर 15 और 16 मार्च को होने वाले बैंक हड़ताल को CPIM भी समर्थन दे रही है। इन सब के बीच मांगे नहीं माने जाने पर फेडरेशन ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की है। ऐसे में राष्ट्रीय बैंकों के निजीकरण की राह आसान नहीं दिख रही। ईटीवी भारत के लिए पटना से राहुल सिंह की रिपोर्ट।